अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महानूर अली। आज मैं रिएक्ट करूंगी सनम पुरी के रीमेक सॉन्ग लिखे जो खत तुझे पर। आई थॉट सनम वो वाहिद सिंगर हैं जो ओल्ड ट्रैक को एक न्यू ट्रैक में ऐसे ढाल देते हैं, और वो भी इस खूबसूरती से कि अगर आपने पहले वो ओल्ड वर्जन सुना हो तो ये कहने पर मजबूर हो जाते वाओ अमेजिंग। जैसे ये सॉन्ग लिखे जो खत तुझे एक ओल्ड मूवी कन्यादान से है जो मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन ने डायरेक्ट किया। सनम पुरी के इस ओरिजिनल ट्रैक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट सनम पुरी। और आइए इस गाने को देखते और सुनते हैं और फिर इस पे बात करते हैं और ये देखते हैं कि सनम पुरी ने इसके साथ कितना। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ सनम बल्कि इनके साथ इस ट्रैक में जितने भी इनके ग्रुप के लोग हैं, ये पांच लोग हैं, पांच ही पांच, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट और सनम अपने आवाज के साथ इतना अच्छी है रिकॉर्डिंग करते हुए इतना एंजॉय करें। उतना एंजॉय मैं इसको देखते हुए भी कर रही हूँ, लेकिन आप भी कर रहे होंगे। और मेरा दिल चाह रहा है इसको रीप्ले करूं, लेकिन रीप्ले में करूंगी जब मैं आपसे बातें कर लूंगी उसके बाद। और आप लोग जरूर जाके जो है सनम के अकाउंट से इस ओरिजिनल ट्रैक को इनके सुनिएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके साथ इसे कंटिन्यू करती हूँ। बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, सुपर कूल। और सीरियसली आई कुडंट रिकॉग्नाइज कि ये वही सनम पुरी है जिनके गाने मैंने पहले भी सुने हुए हैं और देखे हैं। ही लुक्स वेरी डिफरेंट, उन्होंने बिल्कुल अपनी लुक चेंज कर ली है। अगर आपने भी इनके पहले कोई ट्रैक देखे हो, सुने हो, तो उसमें यकीनन आपने अगर देखा ओ मेरे दिल के चैन, ये रात भीगी भीगी और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। सनम के इस अकाउंट पे मैं देख रही थी, उन्होंने जब इसको रिलीज किया है इस सॉन्ग को, तो उन्होंने यही कहा कि जब सब लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं,
तो सबको ये जो सॉन्ग है बहुत अच्छा लगेगा। तो नो डाउट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा है, सनम पुरी ने कितना इसके साथ जो है इंसाफ किया है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।